हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नसीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं दो दो जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताने वाला हूं। और ये दोनों जॉब प्रोफाइल दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। एक तो बजाज अलायंस की तरफ से आ रही है एक अपॉर्चुनिटी, और एक दूसरी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो एक्सिस बैंक की तरफ से आ रही है एज ए रिलेशनशिप ऑफिसर। यहाँ पर अगर आप लोग ग्रेजुएट हो या फिर आप लोग ट्वेल्थ पास हो तो आप लोग दोनों जॉब प्रोफाइल में अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हो, या फिर अगर दोनों में आप लोग सूटेबल हो तो आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आप घर बैठ के इसको काम कर सकते हो। और यहाँ पे जो लैंग्वेज है, आप लोग को इंग्लिश तो आनी चाहिए, उसके अलावा जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप लोग को काम करना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को जो दूसरी जॉब प्रोफाइल है एक्सिस बैंक वाली, उसमें आप लोग को मैं डायरेक्ट आपको एचआर का नंबर भी दूंगा, और आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपना रिज्यूम। तो इसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसको पहले समझ लेना, उसके बाद अगर आप चाहे तो अप्लाई करो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर कर देना, ताकि वो इसमें जो है अप्लाई करके उनको भी कुछ बेनिफिट हो। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और अगर आप लोग पहली बार आ रहे चैनल में तो मेक श्योर नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि इसी डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग के लाता रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ ए टू जेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर 100% जॉब गारंटी हो। वो ये हमें बताएं कि आपको जॉब ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो। तो एजुब्रिज दोस्तों ऐसा ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे काफ़ी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को जॉब दिलाने में। यहाँ पे आप लोग को 100% जॉब गारंटी और 110% मनी बैक प्रोग्राम भी यहाँ पे मिलता है। डेडिकेटेड प्लेसमेंट मैनेजर यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है इन टॉप MNCs विथ सैलरी अप टू INR 10 lakhs। ठीक है, उसके अलावा अर्न अप टू Azure 24,000 की स्कॉलरशिप आप लोग को यहाँ पे मिलेगी, और आप अपनी सैलरी को सिक्योर कर सकते हो 1.2 lakh का यहाँ पे इन्होंने प्लान रखा हुआ है। ठीक है, जीरो कॉस्ट EMI फैसिलिटी भी है, तो आपको इसमें कोई चिंता की बात नहीं करनी है। और 1-to-1 इंटरेक्शन होता है आपका इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जो आपके सारे डाउट जो है क्लियर करते हैं। ठीक है, इनके आपके वेबसाइट पे अगर आप देख लोगे तो आप यहाँ पे जो भी इनके पॉपुलर कोर्सेस हैं उनको एक्सप्लोर करके आप उसको चुन सकते हो, वहाँ पर उसको एनरोल कर सकते हो, और आप वहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम चलता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पे एनरोल कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करो और अपने दोस्तों को भी यहाँ पे जरूर शेयर करो। तो दोस्तों, नीचे मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए जो जॉब रोल है। ठीक है, ये यहाँ पे हायरिंग फ्रेशर फॉर रिलेशनशिप मैनेजर है, ये बजाज अलायंस LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आ रही है। आप सभी लोग को इसके बारे में पता होगा, इस कंपनी के बारे में यहाँ पे क्लियरली है। अगर आप 2 साल तक मैक्सिमम एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। फ्रेशर्स भी ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 40 वैकेंसीज अभी तक के लिए है। अभी जब तक आप वीडियो देख रहे हो शायद इसमें वैकेंसीज भर गई हो, लेकिन आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर सकते हो जब तक इसमें अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, 2 से 3 लाख इसे LPA यहाँ पर दिया गया है, तो आप अगर फ्रेशर हो तो मिनिमम 2 लाख यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और परमानेंट रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम आपको यहाँ पर काम करना है। काम यहाँ पे क्या करना रहेगा, एज अ रिलेशनशिप ऑफिसर मैनेजर कह लो या ऑफिसर कह लो, यहाँ पे आप लोग को एक डेडिकेटेड ऑफिसर होता है एक कस्टमर से। जैसे अगर मेरा कोई बैंक अकाउंट है बजाज अलायंस में, तो मैं मेरे लिए एक डेडिकेटेड जो है रिलेशनशिप ऑफिसर या मैनेजर होता है, जो उसको बताता है कि उसके डाउट्स, उसके परेशानी हो, जो भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड बजाज अलायंस के लाइफ इंश्योरेंस से, वो सारी चीज़ें उसको बताता है। ये सारी चीज़ें आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को बता दी जाती हैं, तो आप लोग को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हायरिंग सेल्स ट्रेनीज फॉर आवर रिस्पेक्टिव बैंक, यहाँ पे इसके लिए आप लोग को हायरिंग होगी। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं 2020, 2021 और 2022 के, उन्हीं लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। सैलरी रेंज 2.75 से 3 लाख है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इंसेंटिव्स और कन्वीनियंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, हम जो नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास एक्सिस बैंक की तरफ से है, वो 12th पास लोगों के लिए है। आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा अगर आपको पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, 12th पास आपने जस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख तक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे 12th पास हो जस्ट। और परमानेंट रिमोट है, तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप लोग इतने अमाउंट पे भी अगर आप लोग काम करना चाह रहे हो इस बड़ी कंपनी के लिए। ठीक है, एक्सिस बैंक के लिए। अगेन यहाँ पे जो रिलेशनशिप ऑफिसर वाला काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट करना है कस्टमर रिलेशनशिप का, और इसमें कुछ अपसेल या क्रॉस सेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी हैं। मतलब आप लोग को अगर कोई कस्टमर के साथ आपको रिलेशनशिप करनी है, आपको बात करनी है, उसकी डाउट को सॉल्व करना है, और एक्सिस बैंक के कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कोई लोन लेना हुआ या फिर कुछ और चीज़ हुई, कुछ एक्सिस बैंक की तरफ से कुछ नया यहाँ पर बेनिफिट आया, वो चीज़ आप लोग को उसको बताना रहता है। ठीक है,
15,000 CTC रहेगा, प्लस उसके बाद इंसेंटिव रहेगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका इसमें ज़्यादा पैकेज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये लोकेशंस तो दिया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, तो इस बात की चिंता नहीं करनी है आपको। यहाँ पे देखिए रिलेशन जो HR मैनेजर है उसका यहाँ पे ID दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इस रिज्यूम को इनकी ID पे जो दिया है इस पे आप लोग को मेल कर देना है, और आपको जो नीचे नंबर दे रहा है आप इस पे लिखा हुआ है प्लीज़ कॉल, लेकिन इतने सारे कॉल आएंगे हो सकता है वो पिक ना करें, तो आप डायरेक्ट इनके व्हाट्सअप पे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। रिज्यूम में आप सारी चीज़ें अपडेट कर लेना जो इस हिसाब से है, इस रोल के लिए है, और अगर आप चाहते हो कि बढ़िया सा जॉब रोल जॉब रिज्यूम जो है बनाना मॉडर्न तरीके से, तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसको अभी दे दिया है लिंक, उसको ज़रूर क्लिक करके रिज्यूम अच्छी तरीके से बना लेना, फिर इसमें अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई यहाँ पर जो ब्लू बटन है वहाँ से भी कर सकते हो, और डायरेक्टली इस मैनेजर जो HR है उसको आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है।